Hi, good evening, everyone. My name is Anurag, and I would like to welcome you all on this very insightful session on Learn the Steps to Become a Professional Cricketer. And today we are covering the entire topic, and I mean career as a cricketer, basics of cricket, fitness, diet, handling pressures, and what are the steps of going to a higher level. And as you are aware about Youthopedia, we are a platform designed to give a direction to the students on their suitable career options. With a prime focus on youth upliftment, our mission is to become a main source of guidance for the youth today as they face a number of career options, changing job situations, and along with it, a number of psychological issues that they experience on an everyday basis. And today we have with us a professional Indian cricketer and a right-arm medium bowler who represented IPL teams like Deccan Chargers and Kings 11 Punjab, Mr. Harmeet Singh Bansal. Over to you, sir. Hi, good afternoon, everyone. Am I audible, please? Yes, sir, you are. Okay. So, hello, everyone, to all the viewers, to all the participants, to all those youngsters who are looking at a professional career. So, I'll be sharing 2 points today with you all, how do you start to become a professional, what are the steps you take to go forward, what are the diet plans you've got to follow, what are the fitness schedules, how to handle the pressure on higher levels, what skills do you need to require to be a professional cricketer. So starting with, I'll be guiding on the career first, like ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं या उनके पेरेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्रिकेटर अगर प्रोफेशन है एज अ प्रोफेशनल को सेलेक्ट करना है तो क्या स्टेप्स लेने हैं. सबसे पहले तो देखिए, बच्चे आजकल दो टाइप्स की क्रिकेट खेलते हैं, एक तो होती है गली क्रिकेट, एक होती है प्रोफेशनल क्रिकेट. गली क्रिकेट वो होती है जिसमें हम शाम को पार्क चलते हैं, टेनिस बॉल से खेलते हैं, कोई टूर्नामेंट खेलते गली क्रिकेट, मगर उससे आपका उसको आप एज प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं काउंट कर सकते, उससे आप किसी अच्छे लेवल पे नहीं खेल सकते. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अगर आपने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल सोच रखनी पड़ेगी, प्रोफेशनल थॉट्स, प्रोफेशनल थिंकिंग रख के एक क्रिकेट को अपना एज अ करियर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वॉट आर द स्टेप्स? तो सबसे पहले आप जहाँ पे भी रहते हैं आपको वहाँ पे सबसे पहले एक आपके लोकल एरिया में कोई अच्छी सी क्रिकेट एकेडमी ढूंढनी है. आपको एकेडमी में एडमिशन लेनी पड़ेगी एक प्रोफेशनल क्रिकेट बनने के लिए. आप गली क्रिकेट जो पार्क्स में खेलते हैं वो खेल के प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते. आपको एक एकेडमी में जाना पड़ेगा, एक वहाँ पे एडमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ प्रोफेशनल कोच से आपको सीखना पड़ेगा. बड़े सारे यंगस्टर्स मेरे से पूछते हैं कि या उनके पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि आइडियल एज क्या है क्रिकेट स्टार्ट करने की. तो द आइडियल एज वुड बी, अगर आप 7 to 8 इयर्स के हैं और अगर आप क्रिकेट स्टार्ट करना चाहते हैं सो दैट इज़ द राइट टाइम. यू कैन स्टार्ट ऑफ योर करियर एज अ क्रिकेटर फ्रॉम 7 to 8 इयर्स ऑफ एज. इन माई केस आई वॉज वेरी वेरी लेट. मैंने जब मैं 14 ईयर्स का था तब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी. Still, I managed to play at a relatively higher level. So it all depends on how hard do you work. आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने sincere हैं अपनी गेम से. आपको उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो आप कौन से लेवल पे खेलते हैं. तो 7 या 8 साल में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को क्रिकेट खेलनी है तो दैट इज़ अ वेरी आइडियल एज. तो जो पेरेंट्स की हैं उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जब आपके बच्चे 7 या 8 साल के हो चुके हैं तो आप उनको क्रिकेट में एज अ प्रोफेशन उनको ज्वाइन करा सकते हैं. तो क्रिकेटर बनने के लिए सबसे पहले तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है. अगर आपको सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए एकेडमी में जाना है तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी टाइम वेस्ट करेंगे, उनका मनी वेस्ट करेंगे. अगर आपको अच्छे लेवल पे खेलना है, अगर आपकी सोच है कि आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, आप तो ही क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट करें. उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी आपका बॉडी टाइप क्या है. अगर आप ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, अगर आप वही थिंकिंग लेके आप ग्राउंड में जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं मैं जैसा दिखता हूँ वैसा
ठीक है मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा तो मैं अच्छे लेवल पे खेलूंगा, तो सॉरी आप ज़्यादा अच्छे लेवल पे नहीं खेल पाएंगे, आपको एक एथलेटिक बॉडी होना बहुत ज़रूरी है टू बी अ प्रोफेशनल प्लेयर। किसी भी आप गेम में हैं, चाहे आप क्रिकेटर हैं, चाहे आप फुटबॉल प्लेयर हैं या हॉकी प्लेयर हैं, आपको एक एथलेटिक बॉडी होनी ज़रूरी है। आपकी एजिलिटी बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। वो आप जब अपने कोच से बात करेंगे, अपने जो अकेडमी में कोच से बात करेंगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि फिटनेस को आप कैसे लेके आ सकते हैं क्रिकेट में। देखिए क्रिकेट में तीन मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं, एक बॉलिंग, एक फील्डिंग, एक बैटिंग। अगर आप बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में तीनों में अच्छे हैं मगर आप में फिटनेस ज़्यादा नहीं है, आप में स्टेमिना नहीं है, एजिलिटी नहीं है, तो आप ज़्यादा ज़्यादा ऊँची क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो आपको सबसे बेसिकली अपने फिटनेस के ऊपर काम करना है एट द वेरी अर्ली एज, क्योंकि आप जितनी अर्ली एज से स्टार्ट हो जाओगे अपनी फिटनेस को सीरियसली लेना, उतना ही जल्दी आपका आपकी बॉडी आपको उसको अडेप्ट करेगी और लॉन्ग रन में वही फिटनेस आपको अच्छी परफॉर्मेंसेस की तरफ लेके जाएगी। और बहुत बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब आप किसी अकेडमी में जाते हैं या आप किसी लेवल पे अगर खेल रहे हैं, तो बहुत सारे कोचेज आपको ऐसे मिलेंगे या बहुत सारे यू नो कॉन्टैक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक फ्रॉड प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस करेंगे कि आप हमारे अंडर क्रिकेट, हमारी एकेडमी ज्वाइन करिए, हम आपको एक अच्छे लेवल पे खिला देंगे, हमारे इस सेलेक्टर से जान पहचान है, हमारे यहाँ जान पहचान है। तो अगर आप ये सोच के उधर ज्वाइन करेंगे तो आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। एक चीज़ अपने माइंड में रखना, अच्छी क्रिकेट एंड अच्छे लेवल पे क्रिकेट आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से ही खेल पाएंगे। अगर आप किसी के रेफरेंस से खेलना चाहते हैं तो ये गेम आपके लिए नहीं है। आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप बहुत जल्दी अपनी परफॉर्मेंस खो देंगे और वापस आ जाएंगे। तो जितना आप खुद पे ट्रस्ट करिए, आप अपनी मेहनत से आगे खेलिए। जितने भी लोग हायर लेवल पे आजकल खेलते हैं वो अपनी मेहनत से ही खेलते हैं। देखिए ऊपर के लेवल पे जब आप रणजी ट्रॉफी, IPL, अंडर 19 इंडिया या इंडिया के लिए जब भी आप खेलेंगे या अगर खेल रहे हैं, तो वो उसकी कवरेज आजकल सारी मीडिया पे होती है, तो उसमें जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सारी वाइट पेपर पे हैं, सबको पता है कि कौन कितने पानी में है। सो रेफरेंस से अगर आप खेलना चाहते हैं तो ये गेम आपके लिए बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको आपके करियर में मिल सकते हैं जो आपको ऐसे फेक प्रोमिसज करेंगे, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। ये आपकी खुद की मेहनत है, आपका हार्डवर्क है जो आपको एक अच्छा प्लेयर बना सकती है और अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। सेकेंडली जब क्रिकेट आप स्टार्ट करेंगे तो इसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि अंडर 14 से लेकर स्टार्ट हो जाता है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, फिर रणजी ट्रॉफी आ जाता है, फिर IPL एंड देन ऑब्वियसली इंडिया। अगर आप जिस भी एज ग्रुप में खेल रहे हैं तो आप जिस आप जो भी स्टेट में हैं, आई डोंट नो आप कौन कौन से स्टेट से हैं, मगर मैं आपको पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का एंड हिमाचल का बता सकता हूँ कि यहाँ पे इनिशियली आप जहाँ पे रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सबसे पहले इन स्टेट्स की जो एसोसिएशन हैं ये एक लोकल लेवल पे इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप जो भी, और डिफरेंट एज ग्रुप्स के, अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट अलग होता है, अंडर 17 या अंडर 16 का अलग होता है, अंडर 19 का अलग होता है और सीनियर्स का अलग होता है। तो आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप अपनी कोच से बात कीजिए कि मेरे को उस एज ग्रुप में अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्ले अ प्रोफेशनल क्रिकेट। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, मेरे को बाकी स्टेट्स का नहीं पता, उनमें डिस्ट्रिक्ट होता है या कई कई स्टेट्स में क्लब क्रिकेट भी होता है, तो अगर आप बेसिक स्टेप को, तो फर्स्ट स्टेप को आप अगर नहीं खेल रहे हो, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल रहे हो, तो आप अगले लेवल पे नहीं जा सकते। सिर्फ नेक्स्ट में जाके बैटिंग करने से या बॉलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, आपको जो बेसिक स्टेप है, जो इनिशियल स्टेप है इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, वो खेलना पड़ेगा ज़रूरी। अगर सपोज 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट पार्ट लेती हैं एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, तो उसमें कम से कम 100 या 120 प्लेयर्स होते हैं जो एक साल में पार्ट लेते हैं। उन 100 या 120 प्लेयर्स में जो सारे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हैं, उनमें से कुछ 20 से लेकर 25 जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स होते हैं उस टूर्नामेंट के, उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको एक उनका एक कैंप अलग से लगता है, जिससे फिर 15 बच्चों की टीम बनती है टू रिप्रेजेंट द स्टेट। सपोज अगर मैं पंजाब में हूँ और अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हैं, तो सब डिस्ट्रिक्ट के मिला के
15 या 20 या 25 बच्चे अलग किए जाते हैं, उनको उनसे फिर 15 बच्चों की टीम सेलेक्ट की जाती है पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज टू रिप्रेजेंट योर स्टेट। आपको पहले अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बनना है, उसके बाद आपको अपनी स्टेट के लिए खेलना है। जब आप अपनी स्टेट के लिए खेलते हैं, सपोज अंडर 16 स्टेट के लिए खेल रहे हैं, अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं तो आप अंडर 19 की अपनी स्टेट की टीम में आने के बहुत करीब आ जाते हैं। तो जब भी अगर आप अंडर 19 लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं तो दैट इज वेयर द रियल क्रिकेट बिगिंस। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अंडर 19 से आप अपने स्टेट के लिए खेल के देन आप अंडर 19 इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए अंडर 19 स्टेज पे खेल सकते हैं, जिसके बाद अगर आप वहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो आपको अपनी स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल सकता है एंड आपके ऊपर सारी आईपीएल टीम्स की नज़र होती है। अगर आप वहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर बनते हैं देन आपकी आईपीएल में भी सिलेक्शन हो सकती है। तो अंडर 19 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल टू प्ले, उसमें खेलना बहुत ज़रूरी है। मगर अंडर 19 लेवल पे खेलने के लिए आपको पिछली एज ग्रुप से अच्छा परफॉर्म करने की आदत डालनी है। अंडर 14 में और अंडर 16 में अगर आप आदत नहीं डालोगे अच्छी परफॉर्मेंस करने की तो आप अंडर 19 तक रेगुलर परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स। अगर आप रणजी ट्रॉफी में अच्छा करते हो या आईपीएल में अच्छा करते हो देन ऑब्वियसली यू गेट पिक्ड अप फॉर द इंडियन टीम। तो ये एक बेसिक स्टेप्स हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं आपको पता करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट की उस एज ग्रुप की टीम कैसे बनती है, कब बनती है, कौन उसका सिलेक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने कोचेस से बात कीजिए इस बारे में एंड आप जो फर्स्ट है इंटर डिस्ट्रिक्ट का वो खेलना आप बहुत ज़रूरी है। एंड कई लोग मेरे को पूछते हैं कि अगर अच्छा क्रिकेटर ना बन पाए, अगर सपोज देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री है, इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब इंडिया के लिए नहीं खेल सकते हैं, सब आईपीएल में या सब रणजी ट्रॉफी में नहीं खेल सकते, बट रिलेटिवली अगर आप किसी अच्छे लेवल पे भी खेल लेते हैं तो इसके आगे भी आप एक अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। लाइक आप अंपायरिंग में जा सकते हैं, आप कोचिंग में जा सकते हैं, आप मैच रेफरी बन सकते हैं, बीसीसीआई लेवल के स्कोरर बन सकते हैं। सो देर आर वेरियस ऑप्शन और उसमें भी अच्छी खासी पे मिलती है। तो अगर आप क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत इज दी हार्ड वर्क इज दी ओनली की। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे लेवल पे खेलेंगे। एंड अगर भगवान ना करे आप अगर इंडियन टीम में आईपीएल में ना खेल पाए तो देर आर मेनी अदर ऑप्शन ऑल्सो विच आई जस्ट टोल्ड यू कैन एक्सप्लोर देन फॉर योर फ्यूचर। और बहुत इम्पॉर्टेंट है क्रिकेटर के लिए अपने फिटनेस पे ध्यान देना डेली एंड अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि देखिए जब टेस्ट मैचेस होते हैं या जो डेज क्रिकेट होती है 3-3, 4-4 दिन के मैचेस होते हैं, उसमें अगर आप अपनी फिटनेस और डाइट को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप आने वाले मैचेस में इंजरी हो सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फिटनेस पे, स्टेमिना पे, डाइट पे बहुत ध्यान देना है सो दैट आप इंजरीज से दूर रहें। एंड प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। हायर लेवल पे जब आप खेलेंगे तो बहुत सारे प्रेशर आते हैं। जैसे अगर आप आईपीएल में खेलते हैं तो मोर देन 30-40,000 पीपल आर वाचिंग लाइव ऑन द स्टेडियम एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग ऑन योर टेलीविजन। तो आपको परफॉर्मेंस देने का बहुत प्रेशर होता है सिर पे। तो अगर आप पीछे से अपने पिछली क्रिकेट से अगर आप परफॉर्मेंस देते आए हैं तो रिलेटिवली आप वो प्रेशर हैंडल करना ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने जो जूनियर क्रिकेट है उसमें परफॉर्मेंस देना ज़रूरी है सो दैट आप जब सीनियर क्रिकेट में जब प्रेशर टाइम आता है तो आप उसको हैंडल इजीली कर सकते हैं। अगर प्रेशर आपसे हैंडल नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट टू कीप द प्रेशर अवे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप ध्यान देके अपनी जो प्रेशर है उसको आप अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। और क्रिकेट में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी आपको अपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी टीम के कैप्टन हो भी, अगर आप टीम के कैप्टन नहीं भी तो भी, अगर आप सपोज अपने टीम के कैप्टन हो तो यू विल हैव टू बी अ गुड लीडर, क्योंकि आपको टीम को आगे लेके जाना है। आपके ऊपर बाकी 10 बंदों की जिम्मेदारी है, पूरी टीम की जिम्मेदारी है।
अगर आप टीम के कैप्टन नहीं भी हो तो भी आपको एक्सप्रेसिव होना जरूरी है, आपको अपने कैप्टन से हर चीज के बारे में बात करना जरूरी है, अपने कोच से हर चीज के बारे में बात करना जरूरी है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं तो भी आप अपने कैप्टन और कोच से बात कीजिए कि मैंने क्या ऐसा अच्छा किया जो मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने कोच से और अपने कैप्टन से बात कीजिए। तो एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है और इसी के साथ आपके लीडरशिप स्किल्स जो हैं वो आपके साथ साथ डेवलप होते रहते हैं। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स गाइस एंड So, thanks, Harmeet. Also, if you would like to share, I mean, your journey and your experience with the audience, like how you have started and what all obstacles you have faced in the journey. या श्योर। मैं देखो, मेरे फादर एक डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, वो इंडियन एयरफोर्स को सर्व करते थे। सो बीइंग अ डिफेंस ऑफिसर वो काफ़ी जगह पे पोस्टेड रहते थे ऑल ओवर इंडिया। वी वर समवेयर इन एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर नियर जलंधर व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। जब मैं 14 ईयर्स का था तब तक मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट नहीं किया था, बट मेरे को गली क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज शाम को गली क्रिकेट जरूर खेलने जाता था। तो मेरे फादर के जूनियर थे, उनके भी बच्चे मेरे साथ खेलते थे एंड ही रिकग्नाइज माई टैलेंट। एक्चुअली जो मेरे फादर के जूनियर थे, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप सर ये टैलेंटेड है क्रिकेट, तो आप ये इनको किसी एकेडमी में डालिए। दैट्स व्हेन इन 2002 माई फादर डिसाइडेड मी टू शिफ्ट टू मोहाली। मैं मोहाली में हूँ इस टाइम, और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद से मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। अंडर 17 के लिए खेला, अंडर 19 पंजाब से खेला, अंडर 22 पंजाब से खेला। देन 2008 की बात थी। एक मैं पॉइंट आपको बताना बीच में भूल गया, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स या पेरेंट्स या बच्चे जो भी सुन रहे हैं यंगस्टर्स, एक ऐसी एज आती है आपके करियर में जब आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, कि आप अब आगे क्या करेंगे। या तो आप क्रिकेट खेलेंगे या आपको कोई और करियर, कोई और प्रोफेशन एज ए करियर वो आपको सेलेक्ट करना होता है। क्योंकि अगर आपका क्रिकेट में अगर नहीं कुछ आगे एक्सप्लोर हो रहा है, ऑप्शन अगर नहीं बन रहे हैं, तो आप ऐसे खाली तो बैठ नहीं सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा। सो एक ऐसी एज होती है जिधर आपको वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पेरेंट्स को भी साथ में लेके वो डिसीजन लेना पड़ता है कि आप अब एकेडमी की तरफ जाएं या स्पोर्ट्स को ही एज अ प्रोफेशन सेलेक्ट करें। तो दैट एज इज बेसिकली 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 18-19 साल तक किसी अच्छे लेवल पे नहीं खेल रहे या आपको लगता है कि आगे भी मेरा चांस नहीं बनेगा, तो आपको एक डिसीजन उसी टाइम लेना बहुत ज़रूरी है कि अब मेरे को क्रिकेट कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी मेरी एज में, मेरी करियर में भी एक ऐसी स्टेज आई थी इन 2008, जब मैं रणजी ट्रॉफी अभी तक खेला नहीं था, और उस टाइम मैं अपनी ग्रेजुएशन अभी मैंने कंप्लीट की थी। तो अगर मैं रणजी ट्रॉफी अभी तक नहीं खेला था, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो मेरे माइंड में भी ऑब्वियसली ये आता था कि अब अगर यहाँ से मैं आगे नहीं खेला तो मेरा आगे लाइफ का क्या होएगा। क्योंकि अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो एटलीस्ट रणजी ट्रॉफी या आईपीएल में खेलना ज़रूरी है, सो दैट उसके बाद आपको इजीली जॉब्स भी मिल सकती हैं अगर आप इंडिया के लिए नहीं खेलते। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी वो मोड़ आया था। मैंने एक डिसीजन लिया था 2008 में, अपने पेरेंट्स से डिसाइड करके मैं गया था। अपने कोच से मैंने बोल दिया था कि सर मैं नेक्स्ट डे ऑनवर्ड नहीं आऊँगा, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे आगे कोई इसमें फ्यूचर है क्रिकेट में। तो जिस दिन मैं वापस आया ये बोल के अपने कोच से, उस टाइम मेरे को रात को 3-4 दिन मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं बिना क्रिकेट के आगे अपनी लाइफ कैसे गुजारूंगा। मैंने अपने फादर से फिर रिक्वेस्ट की थी कि डैड लेट मी ट्राई फॉर वन मोर ईयर, एंड उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरे को ये परमिशन दी थी कि चलो 1 साल के लिए और ट्राई कर लो, बट 1 साल अगर नहीं हुआ तो ये 1 साल भी वेस्ट होएगा। बट मैंने फिर अपना पूरा जोर लगा दिया उसमें, बहुत सिंसियरली अपनी मेहनत की, रोज डेली 100% अपना दिया, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट सेलेक्टेड इनटू द आईपीएल फॉर डेक्कन चार्जर्स 2009 में। 2008 अक्टूबर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था डेक्कन चार्जर्स के साथ। 2009 में वी वेंट टू साउथ अफ्रीका, वहाँ पे हम आईपीएल जीते थे। एंड देन उसके बाद मैं पंजाब के लिए जो लिस्ट ए क्रिकेट होती है, जिसको वनडे क्रिकेट खेल बोलते हैं, मैं वो खेला।
एंड उसके बाद मैं रणजी ट्रॉफी खेला, उसके बाद 4-5 सीजन IPL के और खेला, उसके बाद रेगुलर रणजी ट्रॉफी भी खेलता रहा। तो दैट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने आगे जाना है कि नहीं जाना। राइट जी अनुराग जी, जी सो वी हैव लाइक क्वेश्चंस कमिंग इन, सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। Many youngsters have interest in cricket, but how can one identify it that cricket is his passion? Like, how one can identify that I have to become a cricketer? So when was that moment? देखिए, हर एक लड़के को ये लगता जरूर है कि क्योंकि टीवी पे इतना ज़्यादा कमर्शियल दिखता है क्रिकेट, इतना लोगों को इन्फ्लुएंस करता है वो, इतना यू नो अट्रैक्ट करता है, सबको ये लगता है कि मैं क्रिकेटर बनूं या हमारे बच्चे क्रिकेटर बने। मगर अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो क्रिकेटर देखिए, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आप हैं, अगर आपकी एथलेटिक बॉडी नहीं है या अगर आप मेहनत से दूर भागते हैं, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको सबसे पहले तो किसी भी गेम में नहीं आना। अगर तो आप प्रोफेशनली आना चाहते हैं तो यू हैव टू बी मेंटली वेरी वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मेरे को मेहनत डबल से डबल करनी है एंड अपना 100% देना है। आपको यू नो नेचुरली ही किसी को देख के पता लग जाता है कि ये स्पोर्ट्समैन है, उसकी फिजिक देख के पता लग जाता है कि ये स्पोर्ट्समैन है। अगर कोई अगर आप किसी को पार्क में भी खेलता हुआ देख रहे हैं या किसी एकेडमी में खेलता हुआ दिख रहे हैं, तो आप एज अ स्पोर्ट्समैन, आप अगर आप मेरी बात करें तो मैं किसी को देख के बता सकता हूँ कि उसके अंदर वो स्किल्स हैं कि नहीं, कि वो उसकी बॉडी जो है वो स्पोर्टिंग बॉडी है कि नहीं, वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है कि नहीं। तो दिस इज़ वेरी मच नेचुरल एक्चुअली, और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन तो मैं तो देख के किसी को भी बता सकता हूँ। Right, and professional cricketer बनने के लिए what are the specific skills that is required? देखिए, cricketer बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो natural way of playing है वो किस में better है। आप batting अच्छी करते हैं कि bowling अच्छी करते हैं, या spin ball अच्छी करते हैं, या wicket keeping अच्छी करते हैं, वो अगर अगर आपने वो चीज़ natural नहीं है तो उसको बनने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और लगेगी। अगर वो नेचुरल है तो नेचुरली आपकी मेहनत उतनी ही कम हो जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप नेचुरली किस में ज़्यादा अच्छे हैं। अगर तो किसी की एथलेटिक बॉडी है, कोई फास्ट स्प्रिंटर है, कोई भागता तेज है, किसी की बॉडी लेफ्ट राइट में मूव ज़्यादा अच्छी करती है, कोई बहुत ज़्यादा एजाइल है, तो आप डेफिनेटली उसका अगर बॉलिंग एक्शन अच्छा है तो वो डेफिनेटली एक फास्ट बॉलर बन सकता है। ठीक है, कई बार कई प्लेयर्स होते हैं जिनकी बॉडी कंपैरेटिवली इतनी फास्ट नहीं होती, इतनी क्विक नहीं होती, वो थोड़े स्लो होते हैं, उनकी वॉकिंग स्टाइल थोड़ा स्लो होती है। दे कैन बिकम गुड स्पिनर्स या फिर दे कैन बिकम गुड बैट्समैन। और कोई जब बच्चा अकेडमी भी ज्वाइन करता है तो वो ट्रायल्स देता है सबसे पहले, तो उस ट्रायल्स में देख के पता लग जाता है बच्चे को कि उसका बैटिंग में चांस कैसा है, उसका जो फ्लो आ रहा है बैट का वो कैसा आ रहा है, या बॉलिंग की अगर ट्राई देता है तो एक्शन देख के पता लग जाता है, उसका रनअप देख के पता लग जाता है कि इसको आप फास्ट बॉलर बना सकते हैं कि स्पिनर बना सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, एक तो आप नेचुरली कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और एक आपका कोच जो आपका ट्रायल ले रहा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको रिकग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं, कि आपको कौन से फील्ड में वो ज़्यादा मेहनत कराए। राइट, and what all roles are offered in cricket, as in I mean there are more opportunities from being a bowler or a batsman, so for example if I'm good at fielding, so is there any which ways I mean I could be the part of the cricket team? Dekhiye, agar to aap initial level ki baat kar rahe hain, jaise beginner level ki baat कर रहे हैं, तो आपको अगर आप सिर्फ ही अपनी फील्डिंग की वजह से टीम में आना चाहते हैं तो देर आर वेरी वेरी रेयर चांसेस। आपको एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एक अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टू गो ऑन टू द हायर लेवल। बट साथ में ये भी जरूरी है कि आप अपनी फील्डिंग को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बॉलिंग और बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और अगर आपकी फील्डिंग पुअर है तो वो चांसेस बन जाते हैं आपके ड्रॉप होने के फील्डिंग की वजह से। आप फील्डिंग की वजह से इतने चांसेस नहीं कि आप सेलेक्ट होंगे,
पर इतने चांसेस ज्यादा हैं कि आप ड्रॉप जरूर हो सकते हैं भी अगर आप पुअर फील्डर हैं, तो इसलिए आपको फील्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो रविंद्र जडेजा और मनीष पांडे दो ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी फील्डिंग की वजह से ही ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं आजकल। नो डाउट वो बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बट एक जो वनडे फॉर्मेट है उसमें फील्डिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, या 2020 फॉर्मेट में फील्डिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर आप अपनी टीम में जगह बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फील्डर होना बहुत जरूरी है। राइट ऑल्सो हरमीत, फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी पीपल हु लव्स क्रिकेट, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी किसी अकेडमी नहीं गया पर मेरे को क्रिकेट इतना पसंद है, तो इज देर एनी करियर विच आई सीक इन दैट? लाइक आई डोंट प्ले क्रिकेट बट आई वॉन्ट टू सीक माई करियर इन क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल इज देर एनी रोल्स दैट दैट कुड फिट इन इफ आई एम नॉट अ बैट्समैन और अ बॉलर? Can you please repeat your question? Your voice was breaking a bit. Yeah, am I audible now? Yeah. So I was saying, like, if somebody loves cricket like anything, so is there any career option for the people like that who don't play cricket but they love cricket? Obviously, yes, you can certainly go into scoring or maybe umpiring. You know, उसके कुछ courses होते हैं अगर आप but for that also you have to play cricket at a certain level. अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी अच्छे प्लेयर रहे हैं तो आप, क्योंकि देखिए अगर आप अंपायरिंग में भी जाएंगे या यू नो स्कोरिंग भी करेंगे या ग्राउंड स्टाफ की, जो ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ होता है, जो पिच बनाते हैं, जो ग्राउंडमैन वगैरह होते हैं, जो पिच क्यूरेटर्स होते हैं, अगर आप उनकी भी बात करें, उसके अगर फील्ड में भी जाना चाहते हैं, सो यू हैव टू हैव अ बेसिक बैकग्राउंड ऑफ क्रिकेट। वो बैकग्राउंड आपको तभी आएगा जब आप किसी लेवल पे खेले हो। तो दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप किसी लेवल पे पहले खेलिए, तभी आप एक कोई ऑल्टरनेट क्रिकेट में ही कोई ऑल्टरनेट करियर भी आप यू नो चूज कर सकते हैं। राइट ऑल्सो सिंस आईपीएल हैज बिकम लाइक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिकेट, सो कैन वी कंसिडर दैट आईपीएल इज गुड फॉर अ क्रिकेटर टू बी द एंट्री फॉर इंडियन क्रिकेट टीम? Hi, can you hear me? कि आजकल अगर मैं आपसे 4-5 साल पहले की बात करूं तो आईपीएल की परफॉर्मेंसेस, इसके बहुत सारे प्लेयर जैसे आए हैं जो इंडियन टीम से। यस यस कैन यू हियर मी? या यस यस। तो अगर मैं आपसे 4-5 साल की पहले की बात करूं तो बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल की परफॉर्मेंसेस से इंडियन टीम में आए हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप यू नो देश क्रिकेट में अच्छे नहीं है, रणजी ट्रॉफी प्लेयर अगर आप एज अ रणजी ट्रॉफी प्लेयर अगर आप अच्छे नहीं, आईपीएल की परफॉर्मेंस भी अगर आप इंडिया में आ गए तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो आईपीएल की परफॉर्मेंस इंडियन टीम में आए हैं और 6 महीने या 1 साल खेल के वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। कि अगर आपको अगर अपनी स्किल्स और अपने बेसिक्स अगर आपको एक्सेल करने हैं तो उसके लिए आपको टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा प्लेयर होना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो इंडियन टीम की भी जो सिलेक्शन होती है वो रिलेटिव टू रिलेटिवली मतलब 3-4 साल पहले के सिलेक्शन होती है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन रणजी ट्रॉफी। अगर आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे एंड किसी तरह आप सीधा यू नो आईपीएल के लिए भी खेल रहे हो तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इंडियन टीम के लिए, उसके लिए आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी जरूरी है। राइट राइट थैंक्स अमित। एंड वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन व्हिच इज मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स वुमेन, सो व्हाट इज द स्कोप फॉर वुमेन इन क्रिकेट? वुमेन क्रिकेट अभी बहुत ज़्यादा ऊपर आया है पिछले 4-5 सालों में। हमने बहुत सारे प्लेयर जैसे वुमेन क्रिकेट में देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल जिन्होंने अचीव किए हैं, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जो यू नो गवर्नमेंट अवार्ड्स होते हैं वो भी जीते हैं। एंड काफ़ी सारे मैं भी यहाँ लोकल में जहाँ पर रहता हूँ चंडीगढ़ मोहाली में, वहाँ पर भी 2-3 अकेडमी हैं जिधर वुमेन क्रिकेट अब बहुत ऊपर आ रही है। वुमेन क्रिकेट में भी अभी काफ़ी अच्छी, पहले इनिशियली आप सिर्फ 7-8 साल पहले वुमेन क्रिकेट इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज उसमें आप उसको एक कैरियर नहीं यूज कर सकते थे।
क्योंकि उसमें अगर आप जाते थे तो आप एक सर्टेन लेवल पे खेल के भी आप एक अच्छा मनी अर्न नहीं कर सकते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अर्न समथिंग टू लिव। तो अगर आप कहीं किसी लेवल पे खेल रहे हैं, अगर आप वहाँ पे अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट इन दीज डेज नाउ डेज वुमेन क्रिकेट में भी अच्छा पैसा है, वुमेन क्रिकेट को अच्छा मैच फीस भी मिलती है, उनके भी अब BCCI के जो ईयरली ABCD ग्रेड्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो वुमेन को भी अब वुमेन क्रिकेटर्स को भी मिल रहे हैं। तो दिस इज कमिंग अप वेरी वेल नाउ। राइट, and what are the perks comes along if you become a good cricketer, like if you get into the IPL? So we know that there is a lot of hard work which is required, but what are the perks? Can you hear me? आवाज आ रही है मेरी? Yes, I can now. I can now. Hello. Hello. Yes, Harmit, I can now. Hello. Hello. Can you hear me, Harmit? Hello. Hello, yes, I can hear you very okay, well. Okay, so you were asking about the perks, right? Yeah. देखिए जो पर्क्स होते हैं वो तो जब आप स्टेट लेवल से खेलना शुरू करते हैं तभी आपको जो मैच फीस वगैरह है वो तो तभी मिलनी शुरू हो जाती है, बट जो अच्छा अमाउंट आपको मिलना शुरू होता है दैट कम्स फ्रॉम द रणजी ट्रॉफी लेवल। जब आप रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको मैच फीस मिलनी शुरू हो जाती है। जब अगर आप रणजी ट्रॉफी में आप खेलते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं तो आपको जो एडवर्टाइजमेंट्स मिलने शुरू हो जा सकते हैं। एंड जब आप IPL के लिए खेलते हैं तो डेफिनेटली देर इज IPL कॉन्ट्रैक्ट मनी विच इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट। IPL में खेल के आपको एक बड़ी सारी स्पोर्ट्स कंपनीज हैं जो आपको साइन करना चाहती हैं, तो उससे भी एक अच्छा अमाउंट आपको मिलता है। एंड जब आप इंडियन टीम के लिए खेलते हैं तो आपको BCCI से जो ईयरली जो अगर आप किसी ग्रेड में आप साइन होते हैं BCCI के साथ तो ईयरली आपको जो ग्रेड अमाउंट की है वो भी आपको मिलता है। तो द पर्क्स आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस जो क्रिकेट में है। तो जो वो इनिशियली आप अगर आप स्टेट लेवल से खेल रहे हैं तो मैच फीस तो तभी से मिलने स्टार्ट हो जाती है। राइट, एंड there's another question which is coming up. What academies would you recommend for the newcomers who would like to make their career in cricket? So is there any specific academies? There are no specific academies as such, but aap jis bhi academy mein jaye wahan pe aap dekhen ki wahan pe jo facilities hain wo achhi hon, udhar nets acche hon, jo turf hain wo acche hon, wahan pe bowling machines available hon, jo coaches hon wo recognized स्पोर्ट्स बॉडी से जो पास आउट हों या फिर उनके पास वो सर्टिफाइड हों या किसी अच्छे लेवल पे खेले हों। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो आपके बच्चे की जो इनिशियल स्टार्ट होती है वो कौन से माहौल में होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। आप कोई भी अकेडमी में जा सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक अकेडमी नहीं है, बट ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं कि कोच कैसा है, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, तो ये सब आपको देखना पड़ता है। राइट, एंड वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच सेज विद सो मच ऑफ कंपटीशन इन क्रिकेट दीस डेज डोंट यू थिंक इट्स वेरी हार्ड फॉर इवन अ ग्रेट प्लेयर टू गेट इन विदाउट एनी सपोर्ट? देखिए सपोर्ट तो देखो अपने आप मिलती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ ही किसी की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आप चलो किसी एक लेवल पे खेल तो लेंगे, कुछ मैचेस खेल लेंगे, बट जो अगर आपने मेहनत नहीं की हुई है तो वो कहीं ना कहीं तो ज़रूर दिख जाएगी और फिर वो आपको और नीचे लेके आके छोड़ देगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप हार्डवर्क इन योर माइंड। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो वो किसी से छुपती नहीं है। वो अगर एक साल अगर आपको नहीं मौका मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप अगले साल दोबारा ट्राई कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्राई करते रहते हैं, किसी टाइम पे
उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो जो आपका हार्ड वर्क है वो किसी से छुपता नहीं है, आप हार्ड वर्क करते रहिए, परफॉर्म करते रहिए, तो आप डेफिनेटली ऊपर खेलेंगे। अगर आप किसी की सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रह जाएंगे तो फिर आप ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाएंगे। All right. So we have another question, like which says, which downsides are there in these careers? So what is the time span to be in the cricket, and what are the downsides? Downside is सबसे पहला downside तो यही है, देखिए जो मैंने आपको age factor बताया था, अगर तो आप 17-18 साल तक 17-18 years से आप हो गए हैं, अगर आप किसी एक अच्छे level पे नहीं खेल रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम वेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि आपको क्रिकेट से मूव ऑन करना है या क्रिकेट में ही कंटिन्यू करना है। अगर आप क्रिकेट में कंटिन्यू कर भी रहे हैं तो अगर आप अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू नो रोल यू आर परफॉर्मिंग इन क्रिकेट। अगर आप बॉलर हैं तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 33 to 34 ईयर्स तक आप एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी अपने आप ही यू नो बीइंग अ बॉलर आपकी बॉडी अपने आप ही आपको आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती जाती है। अगर आप बैट्समैन हैं तो आप 37-38 ईयर्स तक खेल सकते हैं, एंड अगर आप स्पिनर हैं तो भी आप 37-38 ईयर्स तक खेल सकते हैं। एंड डाउनसाइड्स और तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये जो पार्ट टाइम डाउनसाइड्स आती हैं कि कभी आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो आप लो फील करते हैं, कभी आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है, आप अच्छा भी करते हैं तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है किसी रीजन से, तो दीज आर दी फ्यू डाउनसाइड्स। बट इसको आपने एक मोटिवेशन लेके आगे चलना है, इसको एक पॉजिटिव लेके आगे चलना है, कभी भी गिव अप नहीं करना। जब अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो वो जरूर पे ऑफ करेगा। राइट, एब्सोल्युटली हरमीत। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम निशा, शी इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट स्पिनर एंड अ फिंगर स्पिनर। ओके, रिस्ट स्पिनर वो होता है जो अपनी रिस्ट को घुमा के बॉल स्पिन कराता है, और जो फिंगर स्पिनर होता है उसकी जो बॉल रोटेट होती है वो सिर्फ फिंगर में होती है। मेरे पास अभी ये क्रिकेट बॉल है, मैं आपको उसका एक डेमो दे देता हूँ। ये एक बॉल है, ठीक है, जो फिंगर स्पिनर होगा अगर वो ऑफ स्पिनर है तो उसकी जो बॉल जो रिलीज होगी वो फिंगर से होगी ऐसे करके, ठीक है, उसकी जो रोटेशन होंगी वो उसकी फिंगर से उस बॉल को रोटेशन देंगी। मगर जो लेग स्पिनर है, जैसे कि शेन वॉर्न होता था, जो रिस्ट स्पिनर होता है वो अपने रिस्ट से ऐसे बॉल को ट्विस्ट करके फेंकता है, तो दैट इज अ रिस्ट स्पिनर। उसमें बॉल की रोटेशन और ज्यादा होती है और वो टर्न ज्यादा होती है। जो फिंगर स्पिनर होता है उसका बाउंस ज्यादा होता है बॉल, मगर जो रिस्ट स्पिनर होता है उसका बॉल टर्न ज्यादा होता है। ऑलराइट, थैंक्स अमित। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम विकास शुक्ला, ही इज आस्किंग हाउ कैन यू मेक बॉल ट्रैकिंग बेटर। बॉल ट्रैकिंग बेटर, या मैं इनका बॉल ट्रैकिंग का मैं मतलब समझा नहीं कि कैसे बॉल ट्रैकिंग आई है। विकास, इफ यू कुड आस्क अस दिस क्वेश्चन इन अ बेटर फॉर्मेट अगेन। मीनवाइल निशा इज आस्किंग व्हाट इज DRS। DRS देखिए एक ऐसा रिव्यू सिस्टम है जिससे वीडियोस के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कभी कभी देखिए अंपायर भी एक ह्यूमन बीइंग है, उससे भी ह्यूमन एरर होता है। जब एज अंपायर अगर आप खड़े हैं तो आपके सामने एक से भी कम सेकंड का टाइम होता है एक बॉल को जज करने के लिए, वो कहाँ पिच कर रही थी, कहाँ हिट कर रही थी, क्योंकि एक अंपायर को सबसे पहले बॉलर के पैर पर भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो नो बॉल तो नहीं कर रहा। Right. बॉलर के डिलीवरी करने के बाद ही उसको आगे देखना होता है कि बॉल कहाँ पिच कर रही है, कहाँ पे हिट कर रही है। LBW में ज्यादातर DRS का जो रिव्यू लिया जाता है। Right. तो DRS एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे जो थर्ड अंपायर है या फोर्थ अंपायर है वो आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू बताता है कि बॉल किधर ट्रेवल कर रही थी, कहाँ पे हिट कर रही थी, कहाँ पे पिच कर रही थी, इन लाइन थी, आउटसाइड लाइन थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, आउटसाइड लेग स्टंप थी। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी बेसिकली जिससे आपको पता लग सकता है कि बॉल की जो बॉल का जो पाथ था वो क्या था। Right. And we have another question. How academies plays a very important role in joining the Indian cricket team? देखिए सबसे पहले तो आपको अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना है तो आपको किसी ना किसी अकेडमी में तो एडमिशन लेनी ही पड़ेगी। अगर आप किसी पार्क में जाके खेल रहे हैं तो किसी को क्या पता लगेगा कि आप प्लेयर हैं या क्या नहीं।
अगर जो आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का, अगर आप किसी एकेडमी में नहीं खेल रहे हो तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं खेल सकते, आपको किसी ना किसी एकेडमी में जाना ही है, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। आपको अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए रिप्रेजेंट करना है तो आपको पहले किसी एकेडमी में अपने कोच के अंदर सीखना पड़ेगा। अगर जो सिलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट की टीम सेलेक्ट करते हैं वो अकेडमीज में से ही लड़के उठाते हैं, तो अकेडमीज में जो कोच हैं वही आपको यू नो पुश फॉरवर्ड करते हैं, आपको परफॉर्म करना सिखाते हैं, आपको मैच प्रैक्टिस देते हैं, आपको नेट प्रैक्टिस देते हैं, सो दैट आप मैच डिस्ट्रिक्ट में खेलें और अच्छे परफॉर्म करें। तो अकेडमीज इज द स्टेपिंग स्टोन टू प्ले क्रिकेट। अगर आप अकेडमी में नहीं घुसेंगे, अगर आपने सपोज यहाँ से लेके सपोज चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, आप सोचेंगे कि मैं सीधा दिल्ली पहुंच जाऊँ, मगर आप किसी अगर ट्रेन बस में या कार में बैठेंगे ही नहीं तो आप दिल्ली कैसे पहुंचेंगे। तो अकेडमी ज्वाइन करना एक स्टेपिंग स्टोन, आपको सबसे पहले किसी ना किसी अकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट राइट। एंड सो इन दीज लास्ट 10 इयर्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ प्लेयर दैट वी आर गेटिंग, आई मीन द काइंड ऑफ क्रिकेट, So are you agreeing, you know, that the path which we are taking, abhi Indian cricket jis taraf ja raha hai, so what's the future of Indian cricket? देखिए ये जो पिछले 10 साल से ये जो shorter format जो शुरू हुआ है, जैसे IPL हो गया, 2020 cricket हो गया, right? इसने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे youngsters को मौका दिया Indian level, Indian team में खेलने का। सब इससे पहले सिर्फ रणजी ट्रॉफी से ही आगे टीम में सिलेक्शन होती थी। Right. बहुत सारे प्लेयर रणजी ट्रॉफी में खेलते थे या कहीं को नई मौका मिलता था तो वो चांस वेट करते करते ही उनका करियर खत्म हो जाता था। आईपीएल में इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल गया, इतने सारे प्लेयर्स को चांस मिलता है, इतने सारे मैचेस लाइव आते हैं, सारी दुनिया आपको देखती है, इतना फेम मिलता है, इतना मनी आपको मिलता है, इतना परफॉर्म करने का मौका मिलता है, तो उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज न्यू आ गई हैं बच्चों के लिए, यू नो यंगस्टर्स के लिए टू प्ले फॉर द कंट्री। बट ये 10 साल से पहले ऐसा मौका नहीं था। बट द सैड पार्ट इज दी ओनली थिंग कि ये जो अब जो छोटा फॉर्मेट आ गया है पिछले 10 साल में, इससे जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने अपने जो बेसिक्स हैं और जो स्किल्स हैं वो 2020 वैसी क्रिकेट को डेवलप करने में ही इनसे हम टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादा, वो टेस्ट क्रिकेट पे नहीं इतना बिलीव करते, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप अच्छे टेस्ट प्लेयर बनेंगे तो आप आईपीएल में भी परफॉर्म कर सकते हैं, मगर अगर अगर आप सिर्फ ही एक 2020 के प्लेयर बन के रह जाएंगे तो आप रणजी ट्रॉफी में कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट के लिए प्रिपेयर करें हमेशा। अगर आप देश क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं तो आप 2020 अच्छा खेल सकते हो, अगर आप सिर्फ 2020 अच्छा खेल सकते हो तो आप देश क्रिकेट अच्छी कभी नहीं खेल सकते। राइट। And guys, if you have any questions, you can ask us on this comment section. We would be happy to take it. We have another question coming from Rahul, and he's asking, what is Dusra delivery? Okay. Dusra basically sirf off spinners hote hain, wo dalte hain. So, ek par phir se main ball ke saath example deta hun. Agar jo normal off spinner hai, wo agar off right hand ko, agar uski ball, and right hand batsman ko, agar uska ball andar aa raha hai, ऑफ जैसे हरभजन सिंह अगर रिकी पॉन्टिंग को बॉलिंग डालेगा, हरभजन सिंह इज एन ऑफ स्पिनर और रिकी पॉन्टिंग इज अ राइट हैंडेड बैट्समैन, अगर हरभजन सिंह रिकी पॉन्टिंग को बॉल डालेगा तो उसका बॉल टर्न होकर रिकी पॉन्टिंग की लेग्स की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, तो दैट इज अ ऑफ स्पिनर। मगर अगर वही बॉल पिच होके रिकी पॉन्टिंग से अवे चला जाए, दूसरी तरफ को टर्न कर जाए, तो दैट बिकम्स अ दूसरा। राइट। एंड yeah, I think we have covered all the aspects of cricket here, and by taking the last thing, what are the last advice that you would like to give to our audience? Okay, so the advice would be never, you know, stop doing hard work. Kabhi bhi apna hard work mat chhodiye, apni fitness pe zarur dhyan dijiye, subah bhi training kijiye, sham ko bhi training kijiye, practice kijiye, net practice bahut zaruri hai, match practice bahut zaruri hai. कभी भी गिव अप मत कीजिए, अगर आपका किसी वजह से इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर होगा, डबल मेहनत कीजिए, बट हार्ड वर्क इज दी ओनली की क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में या किसी भी फील्ड में, हार्ड वर्क इज दी ओनली की। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऊपर वाला ज़रूर देखता है, वो आपको ज़रूर उसका जो है उसका जो फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी, तो हार्ड वर्क कभी मत छोड़िए। राइट।
Right. Absolutely. So, and thank you very much for your time. And my thank pleasure. You. Yes, sir. My pleasure. Yeah. And thank you everyone for joining us today. And if you have any queries related to cricket, please feel free to get in touch with us at info@utopedia.in. We would be happy to take your queries. And also we have uploaded a lot of inspiring content on our social media platforms. So you can follow us at YouTube, Facebook, and Instagram there. Thank you, sir. You're welcome. Bye. Take care. Bye-bye.